नमस्कार, अर्चना स्वाद बास्केट में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्चना। हाय गाइस, दीपावली महापर्व की आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। आज हम बना रहे हैं दीपावली स्पेशल में लाजवाब पोहा चूड़ा, तो आप भी तैयार हैं ना? तो जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। पोहा या चूड़ा लेंगे 2 कप, मूंगफली के दाने आधा कप, 1 कटोरी मिक्स नमकीन या जो भी नमकीन आपको पसंद हो ले सकते, जीरा और राई आधा आधा टीस्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, 1 टीस्पून पीसी चीनी, हल्दी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, हरी मिर्च और करी पत्ता। तो बस चलिए बनाते हैं। एक पैन या कढ़ाई को गैस पर गर्म करेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, करी पत्ता डालेंगे, राई जीरा हरी मिर्च डालेंगे, फिर हल्दी डालेंगे, साथ ही मूंगफली जो रोस्ट की हुई थी डालेंगे, पोहा या चूड़ा डालेंगे और उसे चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक हल्दी की कोटिंग चूड़ों पर चढ़ ना जाए। फिर बाकी मसाले, नमक, चाट मसाला, मिर्च, चीनी आदि भी डालकर मिक्स कर लेंगे। चलाते समय ध्यान रखेंगे साइड से चलाएं, जिससे चूड़ा क्रश ना हो। जैसे हम मिक्स कर रहे हैं, देखें। अब इसमें मिक्स नमकीन या मनपसंद नमकीन जो भी आपको पसंद हो वो मिला देंगे। बस तैयार है, है ना इजी और टेस्टी टेस्टी। हमने घर के सामानों से ही सिंपल चूड़ा बनाया है। आप चाहें तो कुछ नट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश आदि डालकर बना सकते हैं। इसे शाम की चाय के साथ या कभी भी हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं। तो गाइज, आपको हमारी अर्चना स्वाद बास्केट की लाजवाब पोहा चूड़ा की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये एकदम फ्री है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और क्या क्या बनाना चाहते हैं। फिर हम मिलकर बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।